हेलो वेलकम टू TNT। इस वीडियो में जानते हैं 4 अक्टूबर का इतिहास और कुछ प्रमुख जन्मदिन भी। यदि आपका भी आज जन्मदिन है तो करेंगे भी सेलिब्रेट, तो आइए तमाशा देखते हैं। 4 अक्टूबर 1830, नीदरलैंड से अलग होकर बेल्जियम साम्राज्य बना 4th अक्टूबर 1830 को। 4 अक्टूबर 1943, यूएस ने जापानियों से सोलोमन पर कब्जा किया 4th अक्टूबर 1943 को। 4 अक्टूबर 1963, क्यूबा और हैती में चक्रवाती तूफान फ्लोरा से 6,000 लोग मारे गए 4th अक्टूबर 1963 को। 4 अक्टूबर 1977, भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया 4th अक्टूबर 1977 को। 4 अक्टूबर 1996, पाकिस्तान के 16 वर्षीय बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 37 गेंदों में शतक लगाया 4th अक्टूबर 1996 को। 4 अक्टूबर 2008, अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस एक दिन के लिए भारत यात्रा पर आई 4th अक्टूबर 2008 को। 4 अक्टूबर 2011, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भारत और स्विट्जरलैंड वित्तीय क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया 4th अक्टूबर 2011 को। 4 अक्टूबर 2011, डबल ट्रैप निशानेबाज भारत के रंजन सोडी ने चीन के बिनयुआन को पराजित किया 4th अक्टूबर 2011 को। 4 अक्टूबर 2011, रोजगार की तलाश में ब्रिटेन आने वाले विदेशी चिकित्सकों को अंग्रेजी भाषा पास करना अनिवार्य किया 4th अक्टूबर 2011 को। 4 अक्टूबर 2012, फॉर्मूला 1 के बादशाह माइकल शूमाकर ने संन्यास लिया 4th अक्टूबर 2012 को। अब जानते हैं 4 अक्टूबर के कुछ जन्मदिनों के बारे में। 4 अक्टूबर 1980 भारतीय अभिनेत्री श्वेता तिवारी का जन्म हुआ और 1978 भारतीय अभिनेत्री सोहा अली खान का भी जन्म हुआ। 1978 भारतीय अभिनेता रोहित बख्शी का भी जन्म हुआ और 1952 भारतीय गायक शैलेंद्र सिंह का भी जन्म हुआ। इन सबको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के दिन अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक, हैप्पीनेस, लव, सक्सेस, हेल्थ और स्ट्रेंथ आपके जीवन में हमेशा भर भर के आए। चार अक्टूबर को जन्मे हुए लोग राशि तुला, राशि यानी लिब्रा, वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट के होते हैं, बहुत अस्थिर स्वभाव के होते हैं और बहुत साहसी भी होते हैं, लेकिन थोड़ा हिचकिचाहट स्वभाव के भी होते हैं। जरूरी नहीं आपकी राशि भी यही हो, आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आप चेक करवा लें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में इतना ही। आप जानना चाहते अगर और भी दिनों का इतिहास तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग चुनिंदा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।